सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट किशन थापा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कोई भी रिव्यू नहीं करने वाले, ना ही कोई टिप्स और ट्रिक्स होगी। ये स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है ये। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिल से मतलब थैंक्स करना चाहता हूं। बिकॉज यार, जब भी कोई एक यूट्यूबर एक यूट्यूब में मतलब यूट्यूब चैनल बनाता है या यूट्यूब ज्वाइन करता है, तो मतलब उसका हमेशा से मतलब एक माइलस्टोन होता है, मतलब कि उसको मतलब आज यहाँ से यहाँ रीच करना है। तो कुछ इस तरह ही मैंने भी शुरुआत की थी, और शुरुआत में मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था। बट उस 100 सब्सक्राइबर के बाद जो अगला माइलस्टोन आता है, जो कि 1000 सब्सक्राइबर का होता है, वो बहुत ही मतलब बड़ा माइलस्टोन होता है। बहुत सी यूट्यूबर के लिए बहुत ईजी होता है, मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर से कुछ ही महीनों में कर लेते हैं, कुछ तो मतलब कुछ वीक्स में भी कर लेते हैं। बट काफ़ी यूट्यूबर्स होते हैं जिन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उन्हें वहाँ पहुँचने में, उस गोल तक रीच करने में। तो कुछ ऐसे ही हुआ, मेरे को भी फाइनली एक साल के बाद जो मेरा ये 1000 सब्सक्राइबर का जो ये माइलस्टोन है, वो फाइनली अचीव हो चुका है। और ये सब कुछ आपके वजह से है, मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तभी मतलब यहाँ पे मैं भी पहुँच पाया, अदरवाइज़ मेरे लिए भी ईजी नहीं हो पाता। मैंने लास्ट ईयर फेब 2020 से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था। तो ये जर्नी की बात की जाए तो पिछले साल से शुरुआत की थी मैंने यूट्यूब की, मतलब मेरा ऐसा कोई स्थान ही, मैंने मजे में स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था यूट्यूब में आना, बट होता है ना, फेस कैम करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हमें लगता है दूसरों के वीडियोस देख के कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, बट अगर जब कैमरे के आगे आपको बोलना पड़े तो वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में मैंने मुझे अभी भी याद है, मैंने सबसे पहले जो मेरी वीडियो थी वो ईयरफोन्स के ऊपर थी, जो मैंने सर्विस सेंटर से अपनी ईयरफोन रिप्लेस कराए थे, उसके बाद में मैंने वीडियोस बनाई थी। तो उस पर इतना अच्छा खासा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, पहली वीडियो थी, तो मतलब लगता था मैं बार बार अपनी जो वीडियोज़ है उसको चेक करने जा रहा है कि मतलब कितने व्यूज़ आए, कमेंट्स आए, मतलब चेक कर रहा, मतलब ऐसा कुछ इसमें खास आया नहीं था। फिर एक होता है ना, शुरुआत में वीडियो अपलोड करी और देखने का मन करता है, भले ही मैंने उसमें इतना ज़्यादा कुछ अच्छा करा नहीं था, नॉर्मल मैंने वॉइस ओवर किया था उसके ऊपर और बताया था मैंने इन्फॉर्मेशन। ठीक उसी तरह फिर मैंने एक पबजी की वीडियो बनाई थी, और मुझे अंदाजा नहीं था कि वो वीडियो इतना अच्छा करेगी, मतलब उस समय वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा उसने, काफ़ी ज़्यादा वो व्यूज़ लेके आई मेरे लिए, इसके वजह से मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। तो अगर अभी मैं बात करूँ तो उस वीडियो की, वो अभी भी वो मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड वीडियो है, जिसमें ऑलमोस्ट अभी आप 248,000 समथिंग कुछ उसमें अभी व्यूज़ हैं। तो वो अभी तक वो अच्छा कर रही है, अभी तक वो चल रही है, तो मतलब वो मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। मतलब मैंने उसमें कुछ ऐसी मेहनत भी नहीं की है, नॉर्मल मैंने वॉइस ओवर किया, मतलब खुद में कभी कभी इस वीडियो को देखता हूँ तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब कैसे, मतलब मैंने इस वीडियो में इतनी मेहनत भी नहीं की, बट अगर व्यूज़ की बात की जाए तो इतने सारे उसमें आ रहे हैं, मतलब सब किस्मत की बात है। तो वो एक बूस्टअप था जो मुझे मिला था, जहाँ से मैंने सोचा था कि यहाँ से मैं अपना चैनल आगे बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके अपना फेस कैम स्टार्ट किया, और उसके बाद अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी आपको पता ही होगा कि मैंने वहाँ से फेस कैम स्टार्ट किया है। मेरे जितने भी वीडियोस थे उसमें खुद मैं कैमरे के पास सामने आया, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपको प्रोवाइड की, कोई वॉइस ओवर नहीं। तो और अगर बात की जाए सेटअप की, तो यार शुरुआत का सेटअप तो आप लोगों को तो पता है, शुरुआत में मैं पहले एक ऐसी नॉर्मल अपने घर पे खड़े होकर वीडियो स्टैंड के साथ बना लेता था, और उसके बाद फिर एक हमारा सोफा का बैठा उसमें बैठ के मैं अपनी वीडियोज़ बनाता था। बट अभी का बैकग्राउंड आपको बिल्कुल अलग लग रहा होगा, बिकॉज अभी हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे जो फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ जो अपना सेटअप है वो किस तरह यहाँ पे सेटअप किया जाए। और यही रीज़न था जब बीच में मैंने यूट्यूब को थोड़े दिन के लिए पॉज किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 महीने, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने ऑफिस के काम लेके, फिर घर का काम, तो काफ़ी सारी चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। बट फाइनली अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को वापस से कंटिन्यू किया जाए। अब अगर बात करें जाए तो 1000 सब्सक्राइबर के होने की खुशी की, तो मैं आपको बताता हूँ ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था, बिकॉज मैंने होप नहीं किया था कि मतलब अचानक से मेरे ऐसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया 2 मंथ का मैंने यहाँ पे पॉज लिया था, तो उस समय मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे बीच बीच में अपना यूट्यूब चेक कर रहा था कि हाँ भाई कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा चल रहा है, तो मुझे पता था कि मतलब सब्सक्राइबर धीरे 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 बढ़ रहे हैं, बड़े भी अचानक से अभी शायद वीक और 2 वीक पहले जब मैंने देखा, तो एकदम से मैंने देखा कि मेरे पास एक मेल आता है जिसमें उसमें लिखा कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो मतलब ये देख के मैं मतलब शॉक हो गया, मैंने कहा कि मतलब अभी तो मतलब मैंने कुछ दिन के लिए इसमें पॉज ले रखा था, ना मैं वीडियोज डाल रहा हूँ, फिर भी मतलब मेरी कुछ वीडियोज़ इतना अच्छा कर रही है, और जिसकी वजह से जो ये माइलस्टोन है वो फाइनली अपना आप पूरा हो गया। तो उसको देख के भी मुझे एक और बूस्टअप मिल गया, मुझे लगा कि मतलब नहीं यार, मुझे जब मैंने फाइनली जिस माइलस्टोन को मैं अचीव करना चाहता था वो माइलस्टोन अगर मैंने अचीव कर लिया है, तो मुझे अब और आगे ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं सोच लिया कि मतलब जो ये चैनल है इस पर वीडियोज़ मतलब आती रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी,
जैसा पहले था, डे टू डे वीडियोस आते रहेंगे। उनके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी वीडियो या फिर कोई भी वीडियो आपको चाहिए या फिर आपको कोई भी कंसर्न है तो आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव रहता, तो वहाँ पे मैं आपको बहुत ही ईजीली और बहुत ही जल्दी वहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ भी मैं आपको यूट्यूब पे कमेंट कर दूंगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट ये होता है कि इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पे मैं आपका कभी भी कहीं पे भी आपको फटाफट से मैं रिप्लाई कर सकता हूँ आपके मैसेजेस का, तो ये मेरे लिए भी इजी होगा, आपके लिए भी हो जाएगा। मैं आगे क्या बोलूँ, जिस तरह आपने मेरी हेल्प करी यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स बेस यहाँ पे क्रिएट करने की, उसी तरह बस आगे बढ़ना है और जो सिल्वर प्ले बटन का जो अगला माइलस्टोन है वो भी हमें रीच करना है साथ मिलकर। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा और साथ ही साथ बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि उसी सपोर्ट के साथ मैं वापस से वो माइलस्टोन भी एक रीच कर सकूँ। सो गाइस, ये बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसा मतलब था नहीं मेरे को, मतलब बिल्कुल भी लगा नहीं था कि मतलब ये हो पाएगा, बट फाइनली देखो ये हो रहा है। तो सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि मतलब धीरे धीरे ही होती है, एकदम से अगर हम सोचेंगे कि मतलब ये आज ही हो जाना चाहिए तो पॉसिबल है नहीं बिल्कुल भी, बट हाँ धीरे से ही सही मतलब लेकिन चीज़ें हो रही है, तो वही चीज़ें हैं। अब बस धीरे धीरे इससे भी ज़्यादा ग्रो करना है, साथ में मिलकर ग्रो करना है, मुझे भी ग्रो करना है, साथ साथ आपको भी ग्रो करना है। मेरी वीडियो के थ्रू मैं आपके जितनी हो सके उतनी हेल्प करूँगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। सो गाइस, बस यही था, और एक और बार आपको फिर से बहुत ही सारा थैंक यू सो मच, मतलब आपने मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी जाके आज मैं इस लेवल तक मतलब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और धीरे धीरे इससे भी ऊपर बढ़ना है, साथ मिलके बढ़ना है। सो गाइज, थैंक यू, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह के वीडियो तो हम यहाँ पर लेके आते रहते हैं, तो बाय बाय।